वेलकम टू ए टू जेड अपडेट्स गाइस। तो मैं आज बात करने वाला हूँ बजाज के पल्सर 125F के लॉन्च डेट, प्राइस, स्पेसिफिकेशन और उसके डिटेल रिव्यूज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। सो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, बात करूँ पल्सर 125F के बारे में तो बहुत ही सारे लोग इसके लिए बहुत ही कमेंट कर रहे हैं और मैंने इसका डिटेल वीडियो यानी कि इसमें कौन से न्यू चेंजेस हो गए उसके बारे में पूरा ही डिटेल वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है और उसका लिंक मैं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, तो आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हो। सो गाइस, 125F के बारे में बात करूँ तो इसमें हमें पूरे ही न्यू चेंजेस देखने को मिलने वाला है, यानी कि जो 220F है वैसा ही लुक में हमें बाइक देखने को मिलेगा, लेकिन जो टायर सेक्शन हो गया और जो इंजन हो गया वो 220F से हमें थोड़ा कम देखने को मिलने वाला है, जैसे कि बजाज ने पल्सर NS125 में किया है। जैसे कि NS200 में जो इंजन और जो टायर साइज़ है वो 125 में कम कर दिया है, लेकिन जो पूरा लुक है वो पूरा ही सेम ही हमें NS200 जैसा NS125 में देखने को मिलता है। और गाइस, NS125 में हमें थोड़े बहुत ग्राफिक्स के इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिले हैं। सो गाइस, बजाज ये भी प्लानिंग कर रहा है कि जो पल्सर 220F है वैसा ही लुक हमें 125F में भी देखने को मिलने वाला है। और बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये इंडियन मार्केट में आने वाली है या नहीं। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि NS200 के बाद NS125 भी इंडियन मार्केट में आ चुकी है। सो गाइस, वैसे ही पल्सर की 220F की तरह ही हमें पल्सर की 125F भी इंडियन मार्केट में देखने को मिलने वाली है। और गाइस, बहुत ही सारे इस बाइक के लिए वेट कर रहे हैं। सो गाइस, इसके लॉन्च के बारे में बात करूँ तो इसका लॉन्च अभी ही होने वाला था, लेकिन कुछ कोरोना पेंडेमिक की सिचुएशन की वजह से इसका लॉन्च नहीं हो पाया। सो गाइस, इसका जो लॉन्च होगा वो हो सकता है कि 2021 के एंड में ही हो सकता है, क्योंकि उसके पहले इसके लॉन्च होने के चांसेस नहीं है। सो गाइस, किसी को अभी बाइक परचेस करना हो तो कोई और बाइक परचेस कर सकता है, या आप NS125 को भी कंसिडर कर सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छी बाइक है। और हालांकि मेरे पास भी NS160 है जो कि बहुत ही अच्छी बाइक है। सो गाइस, अभी जिसको नहीं बाइक लेना हो तो वो 25F को लेने के लिए वेट कर सकता है, क्योंकि 2021 के एंड तक किसी को वेट करना हो तो वो कर सकता है, उसके पहले ये बाइक इंडियन मार्केट में नहीं आने वाली। और प्राइस के बारे में बात करूँ तो इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा, क्योंकि जो NS125 है उसका प्राइस भी हमें 1 लाख के ऊपर देखने को मिलता है, तो वैसे ही इस 125F का जो प्राइस होगा वो भी 1 लाख के ऊपर देखने को मिलेगा, यानी कि 1,10,000 आसपास हमें देखने को मिल सकता है। सो वैसे आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये 125F के लिए कितना वेट कर रहे हो उसके बारे में बताइए, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।